वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की मठरी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। मैंने लिया है फ्रेश पालक और इसको धो लिया है, और इसके साथ में मैंने रखा है 4 हरी मिर्च, और इधर मैंने लिया है 1.5 कप जितना मैदा। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 बड़े स्पून ऑयल और डालेंगे सॉल्ट। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदे के अंदर, और इस तरह के कुछ बाइंडिंग आनी चाहिए। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अभी हम पालक की प्यूरी बना लेते हैं। इसमें जो डंडियां रहती हैं उसको अलग कर लेना है और सिर्फ पत्ते लेना है। अभी मैंने पालक की प्यूरी बना ली है और इसको हम डाल देंगे मैदे के अंदर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल, 1/2 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने डो बना लिया है, इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, सिर्फ प्यूरी से ही डो बन गया है। तो इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और रेस्ट करने के लिए रख देंगे इसको 10 मिनट। अभी हमारा डो रेस्ट कर चुका है, तो अभी हम इसमें से बड़ी बड़ी लोइयां कट कर लेंगे और ठीक जितना बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके एक पतली चपाती के जितना बेल लेंगे इसको। ये देखिए, मैंने एक चपाती के जितना बेल लिया है इसको, और इतना पतला होना चाहिए। अभी हम एक फोर्क की मदद से इसमें होल बना देंगे इस तरह, और फिर इसको 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। एक टुकड़े को उठाएंगे और कुछ ऐसा फोल्ड करेंगे यहाँ से, ये देखिए इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह, एक लीफ का शेप ले लेगा ये। इसको ऐसा प्रेस करके और रख देंगे। इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पे फोल्ड करते जाएंगे, ये देखिए ऐसा, और इसको प्रेस कर देंगे इसी तरह। ये देखिए ऐसे ही बनाना है, एक लीफ के शेप में, और सारी मठरी का शेप हम ऐसे ही बना लेंगे। अभी मैंने सारी मठरियों को बेल करके उनको शेप दे दिया है, और अभी चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। इधर तेल गरम हो चुका है और हम सारी मठरियों को फ्राई कर लेते हैं। इनको क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। अभी हमारी मठरियाँ गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं, क्रिस्प भी एकदम से हो चुकी हैं, तो इनको हम अभी निकाल लेते हैं। अभी हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। इनको भी क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी हमारा दूसरा बैच भी तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं और करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी पालक के मठरी, लीफ शेप में बनाया है मैंने।
अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।